हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अजीत कुमार। आप देख रहे हैं नाइस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नो सिग्नल प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, ये कैसे चेक करते हैं कि ये कहाँ से प्रॉब्लम है, तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है, छतरी से प्रॉब्लम है या मेरे सेटअप बॉक्स में प्रॉब्लम है, इसको कैसे चेक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम कैसे चेक करते हैं नो सिग्नल प्रॉब्लम को, कि कहाँ से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो कभी कभी दोस्तों, ये प्रॉब्लम सेटअप बॉक्स से आता है तो छतरी आप लोग जाकर हिला देते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो इसके लिए आपको वीडियो पूरा देख लेना है, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर नो सिग्नल प्रॉब्लम दिखा रहा है। और दोस्तों, आप लोग यही गलती कर देते हैं, आप छतरी को जाकर हिला देते हैं, तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाता है। तो छतरी को नहीं हिलाना है दोस्तों, पहले आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ से सिग्नल वाला बटन प्रेस कर देना है और यहाँ पर टिप्पी देख लेना है। ये टिप्पी दोस्तों पहले का है, देख सकते हैं जब ये नया सेटअप बॉक्स आया होगा तब का है, देख सकते हैं यहाँ पे ये पुराना टिप्पी है। तो दोस्तों, ये इस टिप्पी पे आपको सिग्नल देखने को नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल रहा हूँ। देख सकते हैं, कोई भी चैनल यहाँ पे, जो भी चैनल लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डीडी उर्दू का चैनल लग गया है। देख सकते हैं यहाँ पर सिग्नल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टिप्पी ही गलत है, तो कहाँ से मिलेगा देखने को आपको। तो एक प्रॉब्लम ये है कि नो सिग्नल ये टिप्पी के कारण भी आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, कभी कभी आपके ये सेटअप बॉक्स जो वायर जाता है एल्टीना की तरफ, वहाँ पे 12 वोल्ट नहीं पहुँचा है या 24 वोल्ट नहीं पहुँचेगा, ते पर भी आपको देखने को मिलेगा नो सिग्नल प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम को आपको एक ही कारण है, ये वाला, कि आपको छतरी को घुमाना नहीं है। तो दोस्तों, कैसे आप लोग चेक कर पाओगे कि ये प्रॉब्लम छतरी की तरफ से है या मेरे ये सेटअप बॉक्स से प्रॉब्लम है या रिमोट से कोई बटन दबा गया है, तो इसको आपको कैसे चेक करना है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो आप पहली बार आप इस चैनल पे आए हैं या नए हैं, तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और उसके बगल में एक बेल आइकन घंटी मिल जाएगा, उसको भी आप दबा देना है। और कमेंट करके बताइए कि ये आपको वीडियो पसंद आया है या नहीं। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको बटन मेनू प्रेस करना है, देख सकते हैं मेनू बटन प्रेस करने से मेरा मेनू खुल गया है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आना है एडिट प्रोग्राम, देख सकते हैं यहाँ पे पीला कलर में लिखा हुआ है एडिट प्रोग्राम, उस पर ओके करना है और यहाँ पे डिलीट ऑल प्रोग्राम पे ओके कर देना है। वैसे ही करके आपको रेडियो चैनलों को भी कर देना है डिलीट। तो देख सकते हैं मैंने इसको भी डिलीट कर दिया है। फिर बैक आना है और टीवी चैनल पे ओके कर देना है, फिर बैक आ जाना है। देख सकते हैं अब यहाँ पे नो टीवी प्रोग्राम फाउंड लिख रहा है, यहाँ से नो सिग्नल प्रॉब्लम हट गया है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप पे आ जाना है। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोग्राम सेटअप पे आ गया है। वहाँ पे आने के बाद फिर से बटन को ओके कर देना है, ये रिमोट वाला बटन देख सकते हैं, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट में ऑटो स्कैन, इसको आपको ओके बटन प्रेस कर देना है। और देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है LNP फ्रीक्वेंसी 0/51/50 और लो फ्रीक्वेंसी 0/51/50, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और आपको नीचे आना है स्कैन मोड, आपको दिखाई दे रहा होगा स्कैन मोड, इसको ऑल ही रहना देना है। और 22K को भी ऑफ ही रहने देना है, डिस्क्यूट को भी ऑफ ही रहने देना है। अब आपको क्या करना है, अपने रिमोट से ओके बटन को प्रेस कर देना है और कुछ देर वेटिंग करना है दोस्तों, जब तक ये 100% ना हो जाए तब तक आपको इंतज़ार करना है। मान लीजिए आपका 100% हो गया और एक भी चैनल नहीं आया, यहाँ पे ये जो खंधा दिखाई दे रहा है इसमें ही चैनल आएगा, देख सकते हैं इसमें और इसमें, देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल है मेरा ऊपर से, तो इसमें चैनल आ गया है। आपका छतरी के तरफ से ये प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पर सिग्नल नहीं आएगा, सिग्नल वहाँ से छतरी के प्रॉब्लम हो जाएगा तो यहाँ पे चैनल भी नहीं आएगा, देख सकते हैं। तो ये मेरा छतरी के प्रॉब्लम नहीं था, ये मेरे रिमोट से बटन कुछ बटन दबा गया है या रीसेट हो गया होगा, तो अभी ये प्रॉब्लम आता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे चैनल भर गया है,
देख सकते हैं यहाँ पे 65% हो गया। देख सकते हैं यहाँ पे रेडियो चैनल लिस्ट आ गया और यहाँ टीवी चैनल लिस्ट। तो दोस्तों ये दोनों चैनल लिस्ट आ रहा है, देख सकते हैं हम लाइव प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं दोस्तों, ये 101% ये वीडियो सही है, आप लोग एक बार ट्राई करके देख लेना। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये 85% हो गया है। अब आपको दिखाते हैं कि ये प्रॉब्लम एकदम 100% सही हो गया है। तो इसी के कारण दोस्तों आपको छतरी हिलाने से पहले ये सब चेक कर लेना है। अगर जो आपका नो छतरी में प्रॉब्लम रहेगा तो यहाँ पे नहीं चलेगा, एक भी चैनल नहीं चलेगा। तो देख सकते हैं मेरा ये चैनल चलने लगा, देख सकते हैं सभी चलने लगा, यहाँ पे 38% सिग्नल दिखा रहा है, 38 दिखा रहा है दोस्तों, 38% दिखा रहा है। देख सकते हैं और भी चैनल आपको चलाकर दिखा देते हैं। देख सकते हैं सभी चैनल चलने लगा, देख सकते हैं ये जीएन मोल भी चलने लगा, यहाँ पे 36-35% दिखा रहा है सिग्नल। तो दोस्तों आपको यही ट्राई करना है, पहले सबसे पहले कि आपको यहाँ पे प्रोग्राम सेटअप पे आकर यहाँ पे ऑटो स्कैन में ओके करना है, उसके बाद आपको यही टिप भी डाल देना है। देख सकते हैं वो अपने से ले लेगा, आपको डालने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर नहीं लेगा तो आप यही डाल देना और ओके बटन प्रेस कर देना, आपका आ जाएगा। और छतरी से प्रॉब्लम रहेगा तो आप ऑटो स्कैन करते जाइए, एक भी चैनल आपके सेटअप बॉक्स में नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी के साथ मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यही टिप है, आप नोट कर सकते हैं या अपने फ़ोन से ये वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लेना। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक्स, जय हिंद।